नमस्ते, मैं डॉक्टर अनुजा केलकर, मैं साइकेट्रिस्ट हूँ, डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट हूँ, साइकोथेरेपिस्ट हूँ और केलकर तोड़कर साइकेट्री नर्सिंग होम पोरबंदर थाने में एज अ साइकेट्रिस्ट कई सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ। आज हम ईटिंग डिसऑर्डर के नेक्स्ट पार्ट के बारे में बात करेंगे। आज हम बुलेमिया नर्वोजा के बारे में बात करेंगे। पिछला वीडियो जो है उसमें हमने एनोरेक्सिया नर्वोजा के बारे में बात किया था, उसके ट्रीटमेंट के बारे में बात किया था। आज हम बुलेमिया नर्वोजा के बारे में बात करेंगे। बुलेमिया नर्वोजा एक्चुअली दोनों जो है एनोरेक्सिया नर्वोजा और बुलेमिया ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन बुलेमिया नर्वोजा में क्या होता है कि खाने की इच्छा उतनी ही होती है, खाना अवॉइड करना होता है क्योंकि डर होता है मोटापे का कि मैं मोटी ना हो जाऊँ या मोटा ना हो जाऊँ, और इसके लिए खाना अवॉइड करते हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि वो इतनी तीव्र इच्छा होती है खाने की कि वो अवॉइड नहीं कर पाते, खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते और उसकी वजह से वो खा लेते हैं, बहुत कुछ खा लेते हैं, और खाने की वजह से फिर वो एक साथ पूरा जो है वो पूरा जो कोटा है उनका वो फुल कर लेते हैं। वो ऐसा होता है काफ़ी घंटे खुद को कंट्रोल करते हैं या काफ़ी दिन भी कंट्रोल करते हैं। कुछ कुछ लोगों को ऐसा है कि चार चार पांच पांच दिन वो कुछ खाते नहीं है और एकदम से दो दिन में पूरा उनका कोटा हफ्ते का कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन इससे क्या होता है कि खा तो लेते हैं वो टाइम पे, लेकिन उसके बाद उनको उसकी गिल्ट आती है कि मैंने क्यों खाया और अब मेरा वजन बढ़ेगा। उनको डर पैदा होता है कि मेरा वजन बढ़ेगा, मैं बहुत मोटी दिखूंगी, और फिर वो डर बैठने की वजह से वो उसके लिए कुछ अलग ऑप्शंस ट्राई करते हैं जिससे उनका वजन बढ़े ना। अब वो एक्चुअली बुलेमिया में ना वजन बढ़ता नहीं है क्योंकि वो भले ही खाते हैं लेकिन बीच में वो गैप जो होती है तो उसकी वजह से वो कंपेंसेट हो जाता है और ज़्यादातर लोगों का वजन बढ़ता नहीं है। लेकिन फिर भी वो खाते हैं तो उनको गिल्ट आता है और इसलिए वो फिर जैसे उंगली डाल के वॉमिटिंग करना ज़बरदस्ती, इससे वो पूरा जो खाना है वो निकल जाए, या फिर स्टूल्स पास करने के लिए मेडिसिंस लेना जिससे मोशंस कंटिन्यूस पास हो और सब निकल जाए बाहर, या फिर एक्सरसाइज करना, एक्सेसिव एक्सरसाइज करना, दो दो तीन तीन घंटे जब तक उनको समाधान नहीं होता कि नहीं हमको करना चाहिए तब तक वो एक्सरसाइज करते हैं, और फिर खाना अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। इरिटेशन बहुत रहता है क्योंकि कोई भी उनसे फिगर के बारे में बात करे या फिर खाने के बारे में बात करे तो इरिटेट हो जाते हैं, बात नहीं करते हैं उन लोगों से, लोग अपने घर वालों के साथ खाने के लिए नहीं बैठते हैं, उनको अवॉइड करते हैं, और फिर जब उनको एकदम से वो डिज़ायर आने लगता है तो जाके एकदम से खाना शुरू कर देते हैं और उनका वो जो भी कोटा है कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये थे इससे रिलेटेड लक्षण। अब इसमें क्या होता है, काफ़ी लोगों का जो हिस्ट्री अगर देखा जाए तो काफ़ी लोगों में पॉसिबिलिटी होती है एनोरेक्सिया नर्वोजा की हिस्ट्री मिलना। जो बुलेमिया के पेशेंट्स हैं उनको एनोरेक्सिया नर्वोजा की भी हिस्ट्री हो सकती है। ये हेरिडिटी भी हो सकता है कि घर में ये ईटिंग डिसऑर्डर्स हेरिडिटी भी हो सकते हैं, यानी घर में किसी को था और इसको हो गया है, तो ऐसा भी हो सकता है। और इसका जो है ये इसके साथ साथ हमको ये भी देखना है कि कहीं इनको डिप्रेशन तो नहीं है, कहीं एंजाइटी तो नहीं है, कहीं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर तो नहीं है, ये भी हमको इन्वेस्टिगेट करना ज़रूरी है इसके साथ साथ। अब इसके इन्वेस्टिगेशंस के बारे में बात किया जाए तो इन्वेस्टिगेशंस एज यूजुअल की न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, हालांकि इसमें खाना जा रहा है लेकिन फिर भी हमने न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज के बारे में इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, हीमोग्लोबिन, क्रिएटिनिन या लीवर फंक्शंस, इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस, क्योंकि वो कंटिन्यूस वॉमिटिंग करना या फिर स्टूल्स पास करना, इसमें सॉल्ट्स कम हो जाते हैं, सोडियम कम हो जाता है तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस होने के चांसेस होते हैं, तो इसलिए हमें वो भी देखना चाहिए। इसके साथ साथ अगर ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं ईटिंग डिसऑर्डर के तो जनरली क्या होता है कि हमें मेडिकल टेस्ट भी इसके साथ करने चाहिए कि कुछ और ऑर्गेनिक प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं ब्रेन में ट्यूमर या फिर कोई हार्मोनल प्रॉब्लम्स है क्या, ये भी हमने इसके साथ जांच करनी चाहिए क्योंकि इसमें भी ये प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अब इसका ट्रीटमेंट जो है ये मेडिसिंस भी है, अगर डिप्रेशन जैसा लग रहा है या
उस ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है या एंजाइटी है, तो हमें ट्रीटमेंट भी कंटिन्यू करना चाहिए इसके साथ। इसमें भी सेम है, अगर ऐसा लग रहा है कि पेशेंट घर पे कोऑपरेट नहीं करेगा, मेडिसिन नहीं लेगा, तो एडमिट करके भी आप ट्रीटमेंट कर सकते हो, यानी मेडिकल प्रॉब्लम्स है वो भी उसमें कवर हो जाए। और इसके साथ एडमिशन में ट्रीटमेंट तो करना ही है मेडिसिंस का, लेकिन उसके साथ साथ अगर ओपीडी बेसिस पे ट्रीटमेंट है तो भी आप मेडिसिंस दे सकते हो, और उसमें भी हम साइकोथेरेपी हम कर सकते हैं, जिसमें इंडिविजुअल काउंसलिंग है, पेरेंटल काउंसलिंग है, न्यूट्रिशनल काउंसलिंग है, जिसमें हम क्या खाना है, कैसे खाना है, कितने टाइम टू टाइम कैसे खाना है, वो हम उनका रूटीन सेट कर सकते हैं, उन्हें क्या क्या न्यूट्रिशनल जो भी रिक्वायरमेंट है बॉडी की वो हम समझा के दे सकते हैं, ताकि उनका वजन भी ना बढ़े और जो न्यूट्रिशनल उनको मिलता है वो भी मिले। उसके साथ साथ हिप्नोथेरेपी, जैसे मैंने बोला कि वो भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसका, जिसमें हम ब्रेन को सजेशंस देते हैं कि पॉजिटिवली कि उसका जो फियर है वेट गेन का वो उसमें से निकल जाए ब्रेन में से, और जो पॉजिटिव सजेशंस दे के उन्हें फायदा हो। तो ये थी बुलेमिया नर्वोजा के बारे में जानकारी। आपको और कुछ जानकारी अगर मेंटल हेल्थ के बारे में चाहिए हो तो आप हमारे हॉस्पिटल के कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9503309619। मेंटल हेल्थ फॉर ऑल, ये वीडियोस के थ्रू मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मानसिक बीमारियों के बारे में और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जानकारी पहुंचाने चाहती हूँ, सही जानकारी पहुंचाने चाहती हूँ। और जिसको भी ये इसकी ज़रूरत है, एडवाइस की ज़रूरत है, सहायता की ज़रूरत है, उन तक ये वीडियोस पहुंचे, ये मेरा उद्देश्य है। आप मेरा वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेंटल हेल्थ के बारे में जानकारी पहुँचे। नमस्ते।